Welcome to Help for Code E-Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer, and today we are going to discuss about typecasting. Typecasting means conversion of one data type into another data type. It's known as typecasting. What is typecasting? कि एक data type से दूसरे data type में convert करना, इसको हम लोग बोलते हैं typecasting. तो sometime हमें programming में need होती है कि मुझे एक data type से दूसरे type में convert करना है. Like character से मुझे अगर integer में convert करना है, मुझे integer से फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मुझे इंटीजर से लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं. तो टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. सो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मीन्स द कन्वर्जन डज बाय कंपाइलर इटसेल्फ इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. मीन्स जो कंपाइलर जो रहता है वो खुद से जो करता है, जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड किया डेवलपर ने, उस फंक्शनलिटी को यूज करके अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. ओके, देन दूसरा एक कॉन्सेप्ट है उसमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में कि एक लोअर रेंज का डेटा हायर रेंज में अगर असाइन हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. मीन्स होता क्या है कि अगर मेरे पास में कोई कैर डेटा टाइप है उसको हम लोग इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इंट को हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट को हम लोग डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं. मतलब वो क्या रहा है कि एक लोअर रेंज का डेटा एक हायर रेंज में अगर असाइन हो रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. देन व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग गाइस? सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मीन्स द कन्वर्जन डज फोर्सफुली. गेटिंग द कन्वर्जन डज फोर्सफुली. अगर हम लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हायर रेंज का डेटा लोअर रेंज के डेटा में असाइन होता है. तो फॉर एग्जाम्पल डबल को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंट में और इंट को आप कैरेक्टर में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो हम लोग इसके जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपके और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे. एक और चीज आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में इंपॉर्टेंट है वो हमको याद रखना है. एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हायर रेंज का जो डेटा टाइप जो होता है उसका हाईएस्ट प्रिसीजन होता है. तो जिसका प्रिसीजन हाई मींस जिसका साइज ज्यादा उसमें डेटा टाइप जो है कन्वर्ट हो जाता है. ओके, मींस अगर मेरे दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल में अगर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो जिसका साइज ज्यादा रहेगा उसमें कन्वर्ट होता है. तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा पहला डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरा डेटा टाइप इंटीजर है. ओके, मींस एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, दूसरा वेरिएबल जो है मेरे पास में इंटीजर टाइप का है, तो आफ्टर ऑपरेशन इट विल बी कन्वर्टेड टू इंट. गेटिंग? इफ फर्स्ट वेरिएबल इज इंट, सेकंड वेरिएबल इज लॉन्ग, ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी इन द लॉन्ग. मींस जो हायर रेंज का जो डेटा होता है उसमें कन्वर्ट होता है मेरा रिजल्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा एक पहला डेटा टाइप फ्लोट है, दूसरा डेटा टाइप भी जो है मेरा फ्लोट है, तो कन्वर्जन किस में होगा? ऑफ कोर्स फ्लोट में. अगर मेरा पहला डेटा टाइप जो है डबल है या दूसरा डेटा टाइप डबल है कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, सो तो इस ये किस में कन्वर्ट होगा? ये मेरा जो है डबल में कन्वर्ट होगा. तो ये आपको याद रखना है कि जिसका साइज ज्यादा उसमें वो डेटा कन्वर्ट होता है. ओके, देन हम लोग डिस्कस करते इसे डिटेल में. देन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं इसे कि कैरेक्टर C1 C2 हमने लिया है, इंटीजर I1 I2 लिया है, फ्लोट F1 F2 लिया है. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 में हमने एक कैरेक्टर डाला, लाइक इसकी ASCII वैल्यू जाती है, आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट कन्वर्टर हो जाएगा. देन I1 में हमने 80.56 अगर स्टोर किया तो ये क्या करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो कन्वर्ट जो है उसको क्या करेगा इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. बट क्या करेगा जो फ्रैक्शनल जो वैल्यू वाली आई है 0.56 उसको क्या करेगा निगलेक्ट करेगा और वो 80 स्टोर करेगा I1 में. ओके, देन हमने अगर 12.6 अगर स्टोर किया है F1 में तो ये स्टोर होगा, लेकिन जो ये 12.6 जो है ये फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है, ये डबल वैल्यू है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर ग्रुप में से जो है इंट सपोर्ट करता है, फ्लोटिंग ग्रुप में से जो है डबल सपोर्ट करता है, तो डबल वैल्यू स्टोर होगा F1 में. इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो डिफॉल्ट जो कन्वर्जन है, ये डिफॉल्ट कन्वर्जन जो है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. मीन जो भी वेरिएबल के जो असाइनमेंट्स हुए, सिंपल प्रोग्राम है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये जो आप देख रही है सारे बेसिक ऑपरेशन जो है कंपाइलर खुद से करता है, जिसको आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा C2 इक्वल्स टू P उसका कैरेक्टर, देन I2 का आंसर आएगा 12, देन F2 का 80 आंसर आएगा, देन I2 का आंसर आ जाएगा इसमें 72. इस तरीके से आपके अलग अलग आंसर्स आएंगे. सो यू हैव टू रन दिस प्रोग्राम ऑन योर कंपाइलर. देन नेक्स्ट वन इज
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हमारा डेटा जो है फोर्सफुली कन्वर्ट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इंट एक्स इक्वल्स टू 5 एंड वाई इक्वल्स टू 2, ओके, और मेरे पास में फ्लोट के दो वेरिएबल्स है पी एंड क्यू। सो अगर मैंने पी इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 4 किया, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पी इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई वाई किया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड बाई 2। सो 5 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2.5, 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2.5। बट हियर इज एक्स इज ए इंट एंड वाई इज योर एंड, तो इंट इंट का जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या रिटर्न करेगा, इंट इंट का जब ऑपरेशन रिटर्न होगा तो वो 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी, देन पी इक्वल्स टू 2। ऑफकोर्स पी जो है फ्लोटिंग पॉइंट में है तो उसका वैल्यू 2.0 आएगा, ओके। देन इसमें वैल्यू मैंने प्रिंट किया 2.0, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है मेरा एग्जैक्ट यही वैल्यू है 2.5 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो है फोर्सफुली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो फोर्सफुली टाइप कास्टिंग के लिए हमने क्या किया, फ्लोट एक्स डिवाइड बाय वाई, गेटिंग फ्लोट एक्स डिवाइड बाय वाई। तो जब आप फ्लोट एक्स डिवाइड बाय वाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा कि एक्स डिवाइड बाय वाई मीन्स 2.5, बट इट इज इंटीजर एंड इट इज इंटीजर, तो ऑफकोर्स इट मे रिटर्न दैट इंटीजर 2, बट नाउ इट इज कन्वर्टेड इन टू फ्लोट ना, ओके, सो द आउटपुट विल बी स्टोर 2.5 इंटू क्यू। सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, देन 2.5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुल टाइप कास्टिंग हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं।